है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से, मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। छोटे बच्चों से लेकर जो भी ब्राह्मण के सहयोग का दान मान दान दान से ईट नहीं उठाई है, लेकिन दान से अपने साथियों को साथी बनाए, वो मंदिर है ऐसा बूंद बूंद सगे सहयोग शक्ति के बूंदों से सजा पाए सरोवर सदा श्रेष्ठ सफलता अनुभव कराता रहेगा और सर्व सहयोगियों को कोने कोने के विदेश देश वालों को और विशेष जिन्होंने ठंडी ठंडी हवा बारिश में भी हिम्मत नहीं जहां हिम्मत है वहां आपकी पदम को ना मदद है, तो उनको भी विशेष मुबारक है मुबारक है। दादा जानते हैं बच्चों ने थोड़ी सी तकलीफ तो उठाई, लेकिन प्यार से मोहब्बत में मेहनत का अनुभव नहीं किया, इसलिए दादा तो मसाज करते ही रहे करते रहे। बड़ी मन भावनी मुरली प्रेम से प्राणों को सींचे, रसीली तान की ये डोर आपकी और ही खींचे, आपकी और ही खींचे, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में, रूहानी स्नेह का जादू आपकी मीठी बातों में। ओम शांति, ओम शांति। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मान दाता बनो, फॉलो फादर। बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेके आया, कड़े संस्कार लेकर आया, बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा। मेरा सिकी लदा लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है, तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए, ऐसे फॉलो फादर। With his own self-respect.
follow the Father in this way. Om Shanti. Om Shanti. ओम शांति। शांति। आप सबका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है दिन 21वां। श्रेष्ठ स्वमानधारी सम्मानदाता बनो। आज का शीर्षक है फॉलो फादर। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे। Om Shanti. Om Everyone Shanti. Is okay, sabhi theek hai. Yeah, I was thinking that. Main soch rahi thi ke. We always say follow father. Hum hamesha kehte hain follow father. Mama's day is coming. Lekin ab mama ka din aane wala hai jaldi hi. To hum ye bhi keh sakte hain ke follow mother. Kyunki follow mother and father. Jab तो हम कह सकते हैं फॉलो मदर एंड फादर, तो वो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा भी हो सकते हैं या मम्मा और बाबा भी हो सकते हैं। जब बाबा ने पहचाना कि मम्मा कौन है, जब वो छोटी सी बच्ची आई थी और बाबा ने ये देखा कि जब वो मुरली सुनती है, मुरली पढ़ती हैं, पढ़ाई करती हैं मुरली की, उन्हें जैसे कि हर एक शब्द एक खजाने जैसा लगता था। तो जब वो मुरली बोलती थी तो वो ज्ञान के रतन जैसे कि सभी को दे रही हैं, और जैसे बाबा कहते थे कि वो जैसे कि कोई साज बजा रही है। तो उनका स्वमान आता था कि बाबा ने जो उन्हें कहा। एक है कि बाबा आपको क्या देखते हैं और जो पार्ट मिलता है, जैसे बाबा ने मम्मा को मम्मा का पार्ट दिया, और दूसरा है अपनी विशेषताओं को जानना, पहचानना, अपनी वैल्यू को जानना, अपने पार्ट को समझना। तो पहचानने से भी स्वमान प्राप्त होता है, और जब स्वमान होता है आपके पास, तो जैसे बाबा ने बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप दूसरों का सम्मान करेंगे। जब आप अंदर से, आपको पता नहीं है कि कौन से संस्कार इमर्ज होंगे, तो फिर उसमें स्वमान नहीं आएगा। और जब स्वमान की कमी होगी तो फिर हम दूसरों का सम्मान नहीं करते हैं। वो हमें चीज अंडरलाइन करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि संगम युग पर हम में से हर एक को ऊंचे से ऊंचा स्वमान क्लेम करना चाहिए। सिर्फ स्वमान नहीं, लेकिन ऊंचे से ऊंचा स्वमान, जैसे मम्मा ने किया। मम्मा की पर्सनैलिटी भी थी, और उस पर्सनैलिटी में भी क्या दिखता था, विशेषताएं। किसी ने ऐसा नहीं कहा कि मम्मा में ये बुरा संस्कार है, मम्मा बुरे मूड में होती है। कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो स्वमान में टिकी रहती थी। कभी कभी मैं वंडर करती हूँ कि मम्मा और बाबा ने ये
संस्कार नहीं देखे कोई भी, क्योंकि मम्मा और बाबा में कभी भी बुरे संस्कार नहीं देखे, क्योंकि स्वमान में रहे, उन्हें पता था कैसे चलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, और आपको पता रहता है कि ये सही तरीका क्या है ताकि पुराने संस्कार इमर्ज नहीं हो। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मम्मा का स्वमान इतना ऊंचा था, मैं मम्मा हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं देवी हूँ, मैं बाबा की बच्ची हूँ। बहुत तरीके के स्वमान थे और मुझे लगता है हम सभी को वो स्वमान है। बाबा हम सभी को देखते हैं कि मुझे आप पर बहुत गर्व है कि आप मेरी बच्ची हो। बाबा हर एक बच्चे के ऊपर गर्व करते थे। लेकिन अगर मैं वो स्वमान नहीं ले पाती हूँ जो बाबा मेरे लिए कह रहे हैं, और वो इमर्ज नहीं करेंगे स्वमान को, तो फिर संस्कार इमर्ज होते हैं पिछले पुराने। तो जितना मैं मम्मा और बाबा के बारे में और सोचती हूँ, उनके कभी भी द्वापर और कलयुग की संस्कार नहीं उभरे बाहर। हम देह अभिमान में रहे द्वापर और कलयुग में, और कभी कभी ऐसा लगता है कि इनको परिवर्तन करना मुश्किल है। जब हम मम्मा को देखते हैं, उन्होंने वो स्वमान क्लेम किए थे, तो हम में से हर एक को स्वमान क्लेम करना है ताकि आपकी स्थिति ऊपर नीचे ना हो और आप दूसरों को सम्मान दे सके। बाबा विल फाइंड इमीडिएटली पार्ट फॉर एवरीवन। बाबा सभी को पार्ट देते ही हैं, ढूंढ ही लेते हैं कि इनको क्या पार्ट देना है। बहुत सारे आए युवा अवस्था में, बाबा ने उन्हें सम्मान दिया, मम्मा ने भी उन्हें बहुत सम्मान दिया, और फिर वो जमा होता है और फिर वो यज्ञ में बहुत सुंदर पाठ बजाते हैं, यज्ञ का परिवार का हिस्सा बनते हैं, बहुत सेवा करते हैं। और फिर वो युवा अवस्था से बड़े हुए, लेकिन वो यज्ञ के स्तंभ बन गए। उन्होंने सब कुछ बहुत स्नेह से किया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो पवित्र रहे, उनकी उनका चरित्र बहुत ऊंचा रहा, चाहे चरित्र हो या स्वभाव हो। चरित्र पवित्रता का और स्वभाव कुछ बहुत ही जबरदस्ती करते हैं या छोटी छोटी चीजों में भी बहुत जिद करते हैं। तो अभी ये सही बात है हम सभी को अपने स्वमान को पहचाने, अपने पार्ट को पहचाने। कितनी आत्माएं हमारी तरफ देख रही है, कितनी आत्माएं किसी न किसी प्रकार का सपोर्ट ढूंढ रही है, सहारा ढूंढ रही है। हमारी बुद्धि बाबा के सेवा के साथ है और सेवा स्वमान के साथ हो, कोई टेंशन ना हो, कोई स्थिति अचल अडोल हो, बहुत ही सरल हो, बहुत ही प्यारी हो। क्योंकि अब नहीं तो कब करेंगे? जैसे कल साइकिल बढ़ते जा रहा है तो हम अंत के समय का नहीं सोचते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि जो भी परिस्थिति आए, क्या मेरी स्थिति नीचे उतर जाए स्वमान से? And then don't
when we are, I am not in self-respect, then I know. स्वमान में नहीं हूँ, तो मैं दूसरों के संस्कार को भी देखती हूँ. And what अभ्यक्ति signal is saying? और अभ्यक्ति इशारा यह कह रहा है कि बाबा ने दूसरों के संस्कार कभी देखे ही नहीं. Because if I see the संस्कार, क्योंकि अगर मैं संस्कार देख रही हूँ, it will affect me and Yagyavalk. तो वो मुझे भी इफेक्ट होगा और यज्ञ को भी होगा. लेकिन अगर मैं उस आत्मा को सम्मान दूंगी, शुभ भावना, शुभ कामना दूंगी, तो फिर और ये स्वमान और शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है. जितना मैं दूसरों को, दूसरी आत्माओं को मदद करती हूँ, यही सहयोग मैं सभी को दे रही हूँ. हमारा स्नेह हर एक आत्मा के लिए, हमारा सम्मान हर एक आत्मा के लिए, उस आत्मा को सिर्फ यही मदद नहीं मिलेगी कि अपना वो पार्ट ढूंढ ले, समझ ले और भविष्य का भी समझ ले, लेकिन खुशी से करेंगे. सभी को खुश रखना और सारा वायुमंडल ही खुशी का हो, कल्चर ऑफ रिस्पेक्ट, यही सम्मान का कल्चर है, यही बाबा बना रहा है, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, क्वालिफिकेशन, चाहे किसी में कोई विशेषताएं हो या ना हो, लेकिन अंदर से पवित्रता इमर्ज करती है बहुत सारी विशेषताओं को उस आत्मा से. आज मैं बाबा की, अव्यक्त बाप दादा की बात याद करती हूँ कि कम से कम बच्चे ने बाबा को तो पहचाना, और उस पहचान के आधार पर पवित्रता का जीवन जी रहा है. और यही दो मुख्य संस्कार है, पवित्रता और बाबा में निश्चय. तो फिर जब मैं बात कर रही हूँ, तो जब भी आप उसी दृष्टि से सभी को देखेंगे, ये बाबा का बच्चा है और ये इस बच्चे ने दृढ़ निश्चय किया है कि पवित्र जीवन जीऊंगा, तो ये उसी परिवार का है. तो जब हम स्नेह और सम्मान से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली अन्य आत्माओं को मदद मिलती है, उन्हें हिम्मत मिलती है, belonging to the family. उन्हें अपनापन लगेगा कि ये परिवार के हैं, उन्हें लगेगा कि हमारा ध्यान रखा जा रहा है. आज के लौकिक जीवन में भी माता पिता संस्कारों संस्कार डालने की कोशिश करते हैं, अच्छे संस्कार बच्चे में हो, और बड़े भाई बहन भी वही करते हैं. आज भी हम भी यहाँ पे उनके बड़े भाई बहन हैं. तो छोटे और जो सम्मान हो, इक्वल हो हमारे, उन्हें लगे कि हम बहुत ही श्रेष्ठ हैं. बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्वमान. तो मैं सोच रही थी श्रेष्ठ स्वमान क्या है. सिर्फ वो ही नहीं कि क्या वो आत्मा है, लेकिन बाबा उस आत्मा को कैसे देख रहा है. बाबा की दृष्टि, दादियों की दृष्टि, हमारी दृष्टि एक दूसरे की तरफ. लेकिन अगर आप किसी को देखते हैं कि ये तो साधारण है, खास करके सभी, कोई भी छोटी सेवा कोई भी करे, उनका विशेष पार्ट है, वो रोल बहुत विशेष है. अगर आप सोचेंगे कि मैं इंचार्ज हूँ,
मैं बॉस हूँ और ये सब साधारण है, वो काम नहीं चलेगा। हम हमेशा कहते हैं ये हमारी टीम है, हम सब। जब हम कहेंगे हमारी टीम, हम सब, ये सभी के लिए एक जुट, एक साथ सम्मान दे रहे हैं। तो जब भी आपको लगे कि कुछ आत्माएं आगे नहीं बढ़ रहे पा रहे हैं और पता नहीं कि क्या करे, तो सम्मान मदद देगा। सम्मान ही सभी के दिल को छू लेता है। मुझे कैसा लगता है कि जब मुझे सम्मान मिलता है या नहीं मिलता है? मुझे किसी ने एक्नॉलेज किया या मेरे को नजरअंदाज कर दिया? बाबा हमेशा कहते हैं नहीं, आप आगे बढ़ते रहो, मुझे आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी रुक नहीं जाना चाहिए। तो मम्मा को देखते हुए कहेंगे कि उन्होंने सारा जीवन दूसरों को ऊंचा उठाया, सम्मान दिया। बाबा ने छोटी छोटी बच्चियां आई, उन्हें पालना दी गई इतने सम्मान के साथ। दादी गुलजार कहती थी कि जब बाबा कहते थे कि आप विश्व सेवाधारी हैं, तो हम सोचते थे कि कौन सा विश्व, हम तो ज्योग्राफी भी नहीं जानते थे, कौन सा विश्व। लेकिन उनके दिल को छू लिया कि हमें विश्व की सेवा करनी है, हम विश्व परिवर्तक हैं, हमें बाबा का नाम पाला करना है, हमें सभी को संदेश देना है, बाबा के सब सब कुछ जो भी बाबा ने बताया वो उसमें उन्होंने इमर्ज किया और वही उनका पार्ट है था, वही उनकी मंजिल थी। कितना सुंदर तरीके से बाबा ने स्वमान में रहकर सम्मान दिया और आत्माओं की मदद की कि वो विजयी बने, कि वो ऊंचे से ऊंची स्थिति तक पहुंचे, अपने संपन्न संपूर्ण स्थिति तक पहुंचे। तो बाबा यही कह रहे हैं आज की अव्यक्ति इशारे में कि बहुत सारे प्रकार के आत्माएं आते हैं, अपने अपने संस्कार लेकर आती हैं, लेकिन बाबा ने किसी को ऐसे नहीं देखा कि इनका क्या संस्कार है ये, लेकिन बाबा ने उन्हें सम्मान दिया और कहा आप तो ईश्वरीय परिवार के हो। सिर्फ ये भी कहना कि आप हमारे परिवार के हो, ईश्वरीय परिवार के हो, जैसे कि ये अपना बच्चा है, अपना भाई बहन है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि स्वीकारने से भी आत्मा को मदद मिलती है। तो ये ईश्वरीय परिवार का है तो हम इन्हें सम्मान दे। सम्मान देने से बाबा कह रहे आप स्वमानधारी बन जाएंगे। ये बहुत बड़ा फायदा है कि सम्मान देने से, जब आप किसी के साथ सम्मान से बात करते हैं, आपका स्वमान बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप सम्मान नहीं देंगे तो आपका स्वमान नीचे चला जाएगा, और जब नीचे चला जाता है तो आपको फिर व्यर्थ संकल्प आते हैं अपने बारे में। फिर आप खुद ही सोचेंगे कि मैं लायक नहीं हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ, या ये ही कर सकता है। तो वो एक स्वभाव जो बन जाता है कि अपने में ही कमी देखना। तो ये पूरा आप उसका फायदा उठाएं, अपने स्वमान के ऊपर काम करें और दूसरों को सम्मान देते हुए अपना स्वमान बढ़ाते रहें। बाबा कहते हैं कि ये ईश्वरीय परिवार ही रॉयल परिवार बनेगा।
So royalty is self-respect, right? तो royalty भी स्वमान है. Baba says you are going to become deities. Baba कहते हैं कि आप देवी देवता बनने वाले हैं. आप राजकुमार राजकुमारी बनने वाले हैं. आप very high status, right? आप मास्टर हैं विश्व के. But then Baba gives small world and then big, फिर बाबा bigger, and we look at the whole छोटा world. विश्व देते हैं फिर बड़ा विश्व देंगे. I think we should establish, मुझे लगता है कि हमें this culture of Baba, ये स्थापना करनी चाहिए इस कल्चर की सारे विश्व में be in self-respect, के respect everyone. स्वमान में रहकर औरों को सम्मान दे. अपने अपने पाठ के अनुसार लोगों के संस्कार होते हैं लेकिन उन संस्कारों में भी विशेषताएं देखो. संस्कार अलग होंगे लेकिन क्वालिटी क्या है उस आत्मा का पार्ट क्या है. तो पहचानना कि सभी ईश्वरीय परिवार के हैं और हमारी दृष्टि निरंतर वैसी ही हो. मुझे लगता है बहुत सारे परिवर्तन लाएगा अपने में भी परिवर्तन लाएगा पहचान लाएगा और सभी फिर परमात्मा की शक्तियां परमात्मा के गुण धारण कर लेगा और ऐसा ही हमारा परिवार होगा विश्व होगा. सभी स्वमानधारी होंगे गुणों से भरपूर होंगे पवित्रता होगी शक्तियों से भरपूर होंगे और वो स्वमान से आएगा और सम्मान भी दे औरों को. ओम शांति. So परिवार तो हम बहुत समीप आ रहे हैं हमारी रिट्रीट जो आने वाली है पीस विलेज में जो पूर्वजों के साथ शेयरिंग. जाने क्या थी खूबियां आज हम प्यारी जगदम्बा सरस्वती के संस्मरण सुन रहे हैं. मैं पहली बार 1955 में माउंट आबू में इस आश्रम में आई. मैं 14 साल की थी छोटी थी लेकिन मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार कहें जो मुझे इस ज्ञान में भी लाया और माउंट आबू भी लेकर आया. और मैं बिल्कुल कोरा कागज थी. सिर्फ ये पता था कि भगवान ब्रह्मा बाबा के तन में ये ईश्वरी ज्ञान ये सहज राजयोग की शिक्षा दे रहा है. करीब 2 साल मैं आश्रम पर भी लखनऊ में आती जाती रही क्योंकि मैं लखनऊ की हूँ. तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मधुबन में मम्मा बाबा से मिलूं. तो जब मैं पहली बार आई और मैंने मामा और बाबा को देखा तो मैंने विचित्र अनुभव किया कि लाइट के ओरा में मामा और बाबा
इतने अव्यक्त रूप में मीठी दृष्टि देते हुए मिल रहे थे, मुझे ऐसा लगा मैं कहाँ आ गई हूँ, को फरिश्तों की दुनिया में आ गई हूँ जो उस दुनिया से बहुत न्यारी है। मैं आई तो मुझे इतना ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, पर ये जरूर था कि ये ज्ञान निराला है। तो बाबा ने मम्मा को कहा कि मम्मा बच्ची आप इसको 7 दिन का लेसन दो, ज्ञान दो। तो मम्मा तो बाबा की हर आज्ञा को जी बाबा, और मुझे कहा कि आप मम्मा से 7 दिन का लेसन सीखो, क्योंकि बाबा को छोटे बच्चों पर विशेष प्यार भी था और ये समझते थे ये छोटे छोटे बच्चे जब बैठ के किसी को ज्ञान देंगे तो उनके अंदर ये सवाल उठेगा कि जब ये छोटे बच्चे इतने ज्ञान देते हैं तो इनके माता पिता कैसे कितने ज्ञानी तू आत्मा होंगे। तो मम्मा तो हमारी बड़ी ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी और इतनी सहज रीति से 3 दिन में मम्मा ने मुझे 7 दिन का कोर्स करा दिया। और जब मम्मा हमें कोर्स कराती थी तो रोज बाबा रात में हमने क्या पढ़ा, मम्मा ने हमें क्या पढ़ाया, इसका पेपर लेता था। तो रात्रि की क्लास में एक तरफ बाबा बैठता था, एक तरफ मम्मा बैठती थी और बीच में मुझे बिठाता था कि आज तुमने कौन सा लेसन लिया है वो सुनाओ। तो मैं सुनाती थी तो बाबा बहुत खुश होता था कि जैसे ज्ञान ज्ञानेश्वरी ज्ञानी तू आत्मा मम्मा है, तो मम्मा ने इस बच्ची को भी अच्छा सिखाया है और इस बच्ची ने भी बहुत जल्दी सीखा है। तो इस तरह से मम्मा ने हमें ज्ञान सिखाया, फाउंडेशन लगाया और योग का अभ्यास कराया। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मम्मा ने कहा कि योग से विकर्म विनाश होते हैं, योग से कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं कर्म बंधन से मुक्त हूँ, मेरे माता पिता मेरे को कोई बंधन नहीं डाले। तो मैंने बहुत योग लगाना शुरू किया, रात में भी उठ के योग लगाती थी, जब समय मिलता था तब बैठ के योग लगाती थी। तो उससे मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया। और मम्मा एक वात्सल्य की इतनी ममता में मूर्त थी कि मम्मा ने मेरी पालना इतने प्यार से की जो मैं समझती मेरे लौकिक माँ बाप ने भी इतने प्यार से मेरी पालना नहीं की होगी। कभी कोई गलती हो जाएगी तो माँ बाप तो डांट भी देंगे और कह भी देंगे, लेकिन मम्मा ने कभी भी कोई छोटी मोटी भूल हो गई लेकिन कभी डांटा नहीं, कभी कहा नहीं, प्यार से समझा दिया, एक इशारे से बता दिया कि ये ऐसा है। तो मम्मा का इशारा, मम्मा का प्यार और मम्मा के दो बोल ऐसे होते थे जो हमारे जीवन में हमारे संस्कारों को परिवर्तित कर देते थे। तो इस तरह से मम्मा ने मेरे को शिक्षा भी दी, पालना भी दी और मुझे भाषण करना भी सिखलाया। एक बार मैं दिल्ली में मम्मा के साथ गई तो मम्मा ने कहा कि पहले भाषण तुम करना, उसके बाद मैं करूँगी। मैंने कहा मम्मा मेरे को तो भाषण करना आता नहीं है और इतने आदमियों के सामने मैं कैसे बोलूँगी। मम्मा ने कहा कि तुम इनको देखना नहीं, इतने आदमी हैं, तुम इनको आत्मा देखना, बिंदी बिंदी है तो तुम्हें इतना थोड़ी लगेगा ये बड़े हैं या बूढ़े हैं, पढ़े लिखे हैं या कैसे हैं, तुम आत्मा देखना। तो कहा पहले तुम भाषण तैयार करो कि तुम क्या बोलेंगी। तो फिर मैंने भाषण लिखा आत्मा पर और आत्मा पे भाषण लिख के मम्मा को दिखाया। मम्मा ने उसमें कोई करेक्शन की और फिर शाम को भाषण था
मैंने भाषण किया। अब भाषण करके पूरा किया तो मैंने मामा से पूछा कि मामा मैंने ठीक किया, तो मैंने कहा, मामा ने कहा भाषण तो ठीक किया लेकिन फ्रंटियर मेल चला, मतलब बड़ी फास्ट स्पीड से चला, तो स्पीड थोड़ी स्लो होनी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा नेक्स्ट टाइम जब करेंगे ना तो धीरे धीरे बोल के करेंगे। तो इस तरह से मामा कराती भी थी, साथ में परफेक्ट बनाने के लिए इशारा भी देती थी। तो इस प्रकार से छोटे 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 टॉपिक पर हम लिखते थे और मामा उसको करेक्शन करती थी, फिर भाषण करना सिखाया। तो इसी रीति से मामा ने हमको भाषण करना भी सिखाया, पालना भी दी। और आप समझते हैं कि मामा तो हमारी सर्वगुण संपन्न थी, थोड़ी भी कमी किसी बच्चे की वो देख नहीं सकती थी। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखना सुना हो किसी ने वैसा, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, दुनिया सारी दिल में समाई तूने, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरिया सुनाई तूने। इंटरनेशनल योगा डे के जो प्रोग्राम है वो देख लेंगे, जो यूएन में था आज न्यूयॉर्क में। शाश्वत सुखदाई आनंदकारी योग है, सत्यम शिवम अति सुंदरम कल्याणकारी योग है। योग में आनंद है, योग महिमा अनंत है, योग में आनंद है। आई एम टोल्ड दैट दोस्तों, मुझे बोला गया है कि हर एक नेशनलिटी के लोग यहाँ पे हैं, और ये कितनी अद्भुत बात है कि योगा ने हम सबको यहाँ एकत्र किया है। योगा यानी कि यूनाइट होना, आप सब आए हैं, साथ में आए हैं, तो ये एक बताता है कि कैसे हम एक साथ जुड़े हुए हैं। जो भी जिस भी बैकग्राउंड से हैं, एंड फॉर ऑल कल्चर्स, सभी कल्चर्स के जो भी हैं, योगा यूनिवर्सल है। One family, one future. I conclude. एक अर्थ, एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। योगा से हम यही सीख रहे हैं कि हम सब एकत्र हुए योगा, सभी को खुश रखे, सभी स्वस्थ रहे। धन्यवाद। योग सभी से प्यारा है, भूमंडल पर सतत बह रही योग की निर्मल धारा है। स्वयं योगेश्वर ने ही आकाश से उतारा है, सार्वभौमिक सर्वकालिक सहितकारी योग है।
आओ योग करे, चलो योग करे, आओ योग करे, चलो योग करे। सब संबंधों का जोड़ ही तो योग है, सर्व गुण सब शक्तियों का आत्मा में सुयोग है। कष्ट तन मन के मिटा के करता ये आरोग्य है, अमरत्व का वरदानी स्वास्थ्यकारी योग है। आओ योग करे, चलो योग करे, आओ योग करे, चलो योग करे। ओम शांति। सो इट वाज अ वंडरफुल प्रोग्राम एक्चुअली। बहुत सुंदर प्रोग्राम था। यू माइट नॉट हैव सीन वेरी क्लियरली बट एक्चुअली आपने क्लियरली नहीं देखा होगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही वाज इन बिटवीन द भारत के प्रधानमंत्री लोगों के बीच में योगा कर रहे थे और उनके पीछे हमारे फरिश्ता गायत्री बहन भी थी, तो बहुत अच्छी सेवा हुई। धन्यवाद। हम अपनी अव्यक्त मुरली अब सुनेंगे। सबका स्वागत है अव्यक्त यात्रा में। 1969 से अव्यक्त मुरली। फरिश्ते के दिल से रू रेहान। Om Shanti. Om Shanti. This is the Avyakt Murli of the 11th of February 11 February 1971 ki Avyakt Murli hai. Through the vehicle of the inner body. Shirshak hai Antvahak Sharir Dwara Seva. Just as you give. Jaise sthool stage ko taiyar karne ke liye bhi kitna samay aur parishram karte hain. In the same way. ऐसे ही अपनी स्थिति की स्टेज सदैव तैयार रहे, उसके लिए भी इतना ही पुरुषार्थ करते हो। ऐसी पावरफुल स्टेज पर ठहर स्पीच करने वाले का यहाँ आबू में यादगार है। कौन सा? दिलवाला। दिलवाला तो याद की यात्रा का यादगार है। गौमुख नहीं देखा है? गौमुख। गौमुख किसका यादगार है? यमुख का यादगार है। जैसे बाप का यादगार है गौमुख, क्योंकि मुख द्वारा ही सारा स्पष्ट करते हैं, इसलिए मुख का यादगार है। स्पीकर का भी काम मुख से है, लेकिन ऐसे जो श्रेष्ठ स्टेज पर ठहर कर स्पीच करते हैं, सदैव एवर रेडी स्टेज हो। ऐसे नहीं कि समय पर तैयार करनी पड़े। एवर रेडी स्टेज होने से जो प्रभाव होता है वो बहुत अच्छा पड़ता है। इसलिए पूछा कि प्रभावशाली हो, इस ग्रुप को प्रभावशाली ग्रुप कहें। सभी
सर्टिफिकेट देंगे. Should this group be called the influential group? अच्छा ग्रुप है. Will everyone give this certificate? अगर आप सर्टिफिकेट देती हो तो फिर ये सर्व को सेटिस्फाई करने वाले भी होंगे. संतुष्ट मणियां तो हो ना, इसमें हाँ करते हो. अगर खुद संतुष्ट मणियां हैं तो औरों को भी संतुष्ट करेंगे. टीचर्स का भी पेपर होता है, कैसे? टीचर का पेपर सूक्ष्म वतन से आता है. टीचर का पेपर कदम कदम पर होता है. जो भी कदम उठाते हो वह ऐसा ही समझकर उठाना चाहिए कि पेपर हॉल में बैठकर कदम उठाती हूँ, क्योंकि स्पीकर अर्थात स्टेज पर बैठे हैं. तो जो सामने स्टेज पर होता है उसके ऊपर सभी की नजर होती है. आप लोग भी ऊंची स्टेज पर बैठे हो. अनेक आत्माओं की निगाह आप लोगों के कदम पर है, तो आपको कदम कदम पर ऐसा अटेंशन से कदम उठाना है. अगर एक कदम भी ढीला व कुछ भी नीचे ऊपर उठता है तो अनेक आप लोगों को फॉलो करेंगे. इसलिए टीचर्स को जो भी कदम उठाना है वह ऐसा सोचकर उठाना है, क्योंकि ताजधारी बने हो ना. ताज कौन सा मिला है? जिम्मेवारी की ताज. जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतना बड़ा ताज. तो जो बड़ी जिम्मेवारी मिली हुई है तो अपने को ऐसे निमित्त बने हुए समझ करके फिर कदम उठाओ. अभी अलबेलापन नहीं, ताज व तख्तधारी बनने के बाद अलबेलापन समाप्त हो जाता है. अलबेलापन अर्थात पुरुषार्थ में अलबेलापन. इस ग्रुप को सदैव यह समझना चाहिए कि जो भी कदम व कर्म होता है वह हर कर्म विश्व के लिए एक एग्जाम्पल बन करके रहे, क्योंकि आप लोगों के इन कर्मों का कहानियों के रूप में यादगार बनेगा. आप लोगों के ये चरित्र गायन योग्य बनेंगे. इतनी जिम्मेवारी समझ करके चलते हो. ये इस जिम्मेवार ग्रुप की विशेषताएं हैं. जो जितना जिम्मेवार उतना ही हल्का भी रहेगा. अच्छा अच्छा. ओम शांति. ओम शांति. कल आगे सुनेंगे. ओम शांति व्यक्ति परिवार. ओम शांति व्यक्ति परिवार. आपने यूएन प्रोग्राम का वीडियो देखा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, he even greeted all this. So we wanted to show that little clip also because it was separate. प्रधानमंत्री मोदी ने सभी पीकेस को भी संबोधित किया, तो हम वो देखेंगे. Back on the crowd. Back on the crowd. Thank you.
Please. Hold it. Om Shanti. Be one with elevated self-respect and continue.